तौर पर हम कोई उम्मीद नहीं करेंगे कि बाबरी मस्जिद, आप देखिए बाबरी मस्जिद के कागजात होने के बावजूद बाबरी मस्जिद को मिटाया गया सुप्रीम कोर्ट का, आप बताइए ये कोई न्याय वाला मुद्दा नहीं था, ये न्याय नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अभी क्या उम्मीद करोगे अभी न्याय होगा? बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि ये सारी सरकार, सारा कुछ बिका हुआ है, ये मंत्री हो जो भी हो सारे बिके हुए हों। बिल्कुल नहीं, अभी जिस तरीके से देखा गया है कि कपिल मिश्रा जैसे दंगई लोग हैं जो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, और उन लोगों को तो हम लोग नहीं उम्मीद करते कि उन लोगों को मतलब वो जेल में डालेंगे या FIR दर्ज होगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा है कि गुजरात के दंगे करने वाले लोग अभी सत्ता में हैं और जो भी लोग हैं जैसे तड़ीपार घोषित करने वाले लोग भी सत्ता में हैं, और ऐसे लोग जो हम जो सत्ता पर है शासन करने वाले लोग हैं और वो लगातार मतलब ऐसे ही सरकार है जो भी मंत्री हैं और वो भी सारे दंगई हैं, तो हम लोग कैसे उम्मीद करेंगे कि जो अभी जो हो रहा है कपिल मिश्रा जैसे लोग हैं जो लोगों को भड़का कर कत्लेआम कर रहे हैं, हम इसको दंगा नहीं बोलेंगे, ऑलरेडी सारे लोग यही बोल रहे हैं कि ये दंगा है, दंगा होता है दोनों तरफ से होता है, लेकिन ये दंगा नहीं है, ये एक कत्लेआम है जो कि मुस्लिम लोगों पर हो रहा है, लगातार हो रहा है, और अभी देख 3-4 दिनों में जो भी हुआ है हमने देखा है कि इस तरीके से बुरे तरीके से लोगों को मारा गया है, और 400-500 की भीड़ एक इंसान को मारती है, कितने ही लोग घर जला दिए गए हैं और कितनी ही मस्जिदें शहीद कर दी गई है। हम लोग, मैं एक सिख होकर ये बात बोलती हूँ कि जिस तरीके से 84 में इन्होंने सिखों का कत्लेआम किया था उसी तरीके से अब मुस्लिम कम्युनिटी पर हमला हो रहा है, हम लोग ये हमला नहीं सहन कर सकते। हालांकि जो खुले में बोलता है, जो खुले में ये बात रखता है कि ये खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, तो उसको उस पर UAPA लगाकर उसको जेलों में डाल दिया गया। शर्जील इमाम की छोटी स्पीच को लेकर उसको अभी कितनी है पता नहीं क्या क्या केस थोपे हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आ पाया है। और ये कपिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं वो दंगे भी करते, स्पीच देते, पुलिस उनके सामने खड़ी रहती है, सारी पुलिस, सारे मंत्री, सारे जज जो है इनके हैं, जो भी थोड़ा बहुत बोलता है उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमें सीधा से दिख रहा है किस तरीके से लोगों को ये दबाने की कोशिश की जा रही है। जब तानाशाह सरकार हो जाती है, जिस तरीके से हमने एक शायर ने लिखा है, जब ये सरकार तानाशाह सरकार जब राज करने लगती है सबसे पहले यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों पर हमला करती है, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज़्यादा जो कि पहले स्टूडेंट्स को पता चलता है। हमने देखा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर सबसे पहले अटैक हुआ है, उसको देखकर शाहीन बाग शुरू हुआ, उसके बाद UP बिहार में और पंजाब में केरल में कहाँ कहाँ पर हमने देखा है कि लोग जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने मोदी ने बोला कि NRC CA पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तो आप बताइए कि दिल्ली में इतना लोग उठ खड़े हुए हैं तो वो क्या अंधे हो चुके हैं? उनका पूरा दिख नहीं है, पूरी जो मीडिया है गोदी मीडिया बन चुकी, 99% मीडिया बिक चुका है, बहुत कुछ ही चैनल है जो लोगों की बात करते हैं और उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत गलत बात है। मैडम, जो योगी साहब, मोदी जी ने कहा कि लोग सोशल मीडिया को बाय बाय कहने वाले हैं, क्या लगता है वो भी परेशान हो चुके हैं सोशल मीडिया से? नहीं, सोशल मीडिया की बात अगर की जाए तो आप देखोगे कि टीवी में क्या दिखाया जाता है, जो बड़े बड़े चैनल हैं वो ये दिखाते हैं कि दोनों तरफ से दंगा हो रहा है, मुस्लिम भी मार रहे हैं और कई पुलिस वाले मर चुके हैं। हालांकि आप मोबाइल पर देखोगे, मोबाइल पर जो रियल वीडियो आ रही है उस पर पुलिस साथ दे रही है, पुलिस दंगे करने वालों को अपनी लाठियाँ दे रही है, TS गैस के गोले फेंके गए। अब UP बिहार में देखा जाए तो जो भी मुस्लिम फैमिलीज हैं उनके घरों के अंदर TS गैस गोले फेंके और आगे से जो बंद कर दिया गया, और छोटे छोटे बच्चे उल्टियाँ कर रहे हैं, उनको भी बहुत बुरी तरीके से, बच्चों को भी बख्शा नहीं गया है। तो आप कैसे देखोगे भी जो भी बोलने की कोशिश कर रहा है उसको दबाया जा रहा है। अभी जिस तरीके से केजरीवाल को लोगों ने बहुत बोला था कि केजरीवाल जब आएगा, हमको ये उम्मीद की किरण है कि जब केजरीवाल जीत जाएगा तो थोड़ी शांति आएगी, और अभी देखा गया है कि केजरीवाल का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जामिया मिल्लिया पर कितने हमले हुए हैं, हालांकि CM का कोई छोटी नहीं है, CM की जो पोस्ट है उनकी भी अपनी एक फोर्स रहती है जिनको अभी तक कोई भी वो नहीं आया। अभी केजरीवाल और जो अमित शाह है वो साथ में बैठकर खाना पीना खा रहे हैं और साथ में बैठकर वो अपनी बातचीत कर रहे हैं, और जो भी है, जो भी सरकार है सत्ता में आ रही है लोगों के बिल्कुल विरुद्ध है। क्या मैम, जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा का माहौल बना हुआ है, लोग कह रहे हैं ये प्री प्लानिंग है, क्या ये सच में प्री प्लानिंग है क्या? बिल्कुल ये प्री प्लानिंग है। जिस तरीके से मुसलमानों पर अटैक हुआ है पहले NRC CA, तो अभी दिल्ली में आसाम में नहीं आया था, पहले क्या हुआ था, पहले 3 तलाक का मसला हुआ, बाबरी मस्जिद का मसला हुआ,
370 का मसला हुआ, आप देखेंगे कि सीधा सीधा मुस्लिम कम्युनिटी पर ही हमला है। तो सिविल कोड लेके आने वाले वो भी मुस्लिम कम्युनिटी पर हमला है। पहले ये NRC लेके आए हैं असम में, तो उसमें क्या हुआ, NRC में 19 लाख लोग निकाले गए जिसमें 13 लाख हिंदू निकाले गए, तो उनको CA लाना पड़ा जिसमें मतलब सबको तो मतलब दोबारा से वो बोले नागरिकता मिल जाएगी बजाय मुसलमानों पर। तो हमने देखा ये बाबरी मस्जिद पर 3 तलाक है या फिर 370 का हुआ है, तो ये सीधा सीधा एक कम्युनिटी पर मुस्लिम कम्युनिटी पर हमला है जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता तो अभी तो हम यही बोलेंगे कि अगर ये तानाशाह सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं बोलेंगे, अभी तो हमारे पास कोई हथियार नहीं है हमारी एकता के सिवाय कोई भी, अगर हम लोग आज एक होकर अपने देश को अपने संविधान को बचाने की बात नहीं करते हैं तो देश को कोई बचा नहीं सकता है। हम लोग आज अगर डरते रहेंगे, जितने भी लोग बोलने की कोशिश किए हैं लगातार उनको UAP के तहत यहाँ पर किसी भी कोई भी धारा लगाकर उनको अंदर कर दिया गया है, चाहे वो जज हो या कोई भी हो, तो आज पूरे देश की आवाम को हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप लोग आज चुप रहते हैं तो आज आप अपने देश को बचाते हुए नहीं देख सकते हैं। तो जिस तरह से BJP चुनाव हार गए दिल्ली में, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है क्या BJP फिर से कुछ हथकंडा अपनाएगी? बिल्कुल, अभी देखा ही है कि एक तरफ तो वो बोलते हैं कि मुस्लिम के वो खिलाफ हैं, दूसरी तरफ वो अभी शाहीनबाग में बिहार के चुनाव को पहले ही वो बोले कि हम लोग बात करेंगे। हालांकि हमने देखा कितने दिन हो गए हैं शाहीनबाग को, और इस चुनाव की वजह से वो जानबूझकर उन्हें हथकंडा बनाया है कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं वो शाहीनबाग के लोगों से। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग तक है सीमित है, तब तक वो ऐसा बोलेंगे कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, हम लोग आपसे मिलकर बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर हम कोई उम्मीद नहीं करेंगे कि बाबरी मस्जिद, आप देखिए बाबरी मस्जिद के कागजात होने के बावजूद बाबरी मस्जिद को मिटाया गया सुप्रीम कोर्ट, आप बताइए ये कोई न्याय वाला मुद्दा नहीं था, ये न्याय नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अभी क्या उम्मीद करोगे अभी न्याय होगा? बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि ये सारी सरकार सारा कुछ बिका हुआ है, ये मंत्री हो जो भी हो सारे बिके हुए हों, सुप्रीम कोर्ट के अभी जो भी फैसला होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करती है हम सुप्रीम कोर्ट के हक में हैं, सुप्रीम कोर्ट का हम सलाम करते हैं, अगर हमारे हक में फैसला नहीं आता तो बिल्कुल गलत है, जो भी है कि अन्याय करना चाहिए जनता के लिए। तो आप बताइए कितने दिन से धरना लगा, क्यों नहीं अभी तक किसी का कोई भी नहीं आया? प्रधानमंत्री केजरीवाल साहब मिलकर आए बड़ा सकारात्मक मीटिंग हुई है, मिल बात का काम करेंगे, क्या समझ में नहीं आ रहा किस बात को? तो वे तो आप देखिए कि वो तो एकदम से पीछे हट गए हैं, जो जनता की उम्मीद थी वो बिल्कुल गलत साबित हुई है, लोगों की एक उम्मीद थी केजरीवाल वो भी टूट गई है, वो जब से आए बोले कि मिल बांट का काम करेंगे, इसका मतलब आप सीधा समझ लीजिए क्या है, वो कुछ भी नहीं, जामे मिले पर कोई कुछ बोला है, शाहीनबाग का कोई कुछ बोला है, अभी 3 दिन में जो हमले हुए हैं केजरीवाल का क्यों नहीं स्टेटमेंट आई कि गलत हो रहा है, उनकी जो भी CM की जो पोस्ट पर जो भी उनके पास रहते हैं उनके पास शक्ति रहती है क्यों नहीं उनको अभी तक उनको यूज किया है, एक भी बार उनका स्टेटमेंट नहीं है कि गलत हो रहा है हम इसके खिलाफ है। तो आप देख लीजिए क्या वो क्या बोल रहे हैं कि मिल बांट का काम करेंगे, तमाम चीजों का दिल्ली और पश्चिम बंगाल के चुनाव में असर पड़ेगा? असर तो बिल्कुल पड़ना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ असर पड़ना चाहिए, जिस तरीके से वो लोग वायलेंस कर रहे हैं, वो लोग कत्लेआम कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो लोग वहाँ पर जीते, और वैसे भी यूपी बिहार में क्या हुआ है हमने देखा कितने लोग जाने गए हैं, तो चाहे कितने भी हथकंडे अपना ले जिस तरीके से आज दिल्ली में वो नहीं जीत पाए हैं तो आगे भी वो नहीं जीत पाएंगे, अब वो उनका दोबारा से कमल नहीं खिलने वाला है जिस तरीके से उन्होंने किया है। मोदी साहब कहते हैं हम दलित हैं, क्या सच में दलित हैं? आप देखिए कि अभी जिस तरीके ट्रंप आया तो आपने देखा है दलित जो बसते हैं तो उसके बाद दीवारें खड़ी कर दिखे, तो जो भी फुटपाथ पर बैठे रहे थे लोगों को पता नहीं कहाँ छोड़ कर आए हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर देश में गरीबी नहीं है, तो आप बताइए दलितों के खिलाफ है या दलितों के साथ है? गुजरात मॉडल को देखकर लोग कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल को जिस तरह से उन्होंने दिखाया है और जो दंगा हुआ है उसी तर्ज पर दिल्ली में हिंसा की गई है उसी आधार पर, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आप क्या कहते हैं? आप देखिए जिस तरीके से गुजरात में मोदी था उसने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं जो बताने में शर्म आती है, जो भी महिलाएं थी प्रेग्नेंट लेडी थी वो काट कर उन्हें बच्चे त्रिशूल पर टांगे गए हैं, वो हिंदू राज
राष्ट्र पर इस तरीके से काबज हैं, वो लोग बाहर हिंदू राष्ट्र आना चाहिए। क्यों क्यों गुजरात में मुसलमानों को हमला किया गया है? जेसीबी से गुजरात पर देखिए, जेसीबी से जो मस्जिद ढा दी गई है, जो भी झुग्गी झोंपड़े दलितों की उनको ढा दिया गया है, तो आप कैसे कह सकते हो कि दलितों के वो साथ है? वो तो वोटिंग के लिए वो लोग बोलेंगे कि हम लोग जीत जाए तो हम लोग दलितों के साथ हैं, हम लोग सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या जब सबका विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास बिल्कुल नहीं है? मोदी जी पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तीन चार दिन में गुजरात में क्या हुआ है, हम लोग तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। अगर वो बिल्कुल ऐसा ठीक है, हम लोग कुछ लोगों ने बोला है कि हम लोग मोदी को सर पर बिठाएंगे, अगर वो तीन दिन में वो अगर ये मान लेते हैं कि हाँ हमने गलत किया है, और ये तीन दिन में जो भी वायलेंस हुआ है जिन्होंने किया है, कपिल मिश्रा जैसे जो भी भड़काऊ भाषण देते हैं उनको वो एफआईआर दर्ज करें, जो भी पीड़ित है उनको इंसाफ दिया जाए, और एनआरसी सीए एनपीआर को वो बिल्कुल ना लेके आए, हम लोग मोदी के खिलाफ नहीं होंगे। रागिनी तिवारी बोल रही है ना कि हाँ ये लोग दंगा करने वाले हैं, उन्होंने अभी भी एक गए थे पत्रकार गए थे, उन्होंने बोला आपने भड़काऊ भाषण क्यों दिया है, तो बोल रहे हैं कि हाँ मतलब मैंने तो ये बोला है कि जो आतंकवादी वो चले जाए, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना वो आतंकवादी हैं, अगर उनको रहना है तो हमारी माननी पड़ेगी, बीजेपी एनआरसी और सीए को मानना पड़ेगा।